सब गाइस वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन और विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर व्हाट जेके एस एस बी एग्जाम्स। ऑलराइट, चलो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसा मानना है कि हज़ार चीज़ों को करने से बेटर है कि मैं 100 चीज़ों को अच्छे से कर लूं। तो उससे होगा यूं कि मैं एलिमिनेशन मेथड को भी चीज़ों को यूज़ करके निकालूंगा। ज़्यादा चीज़ें पढ़ के प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ें पढ़ो, आपका एग्ज़ाम वैसे ही क्रैक हो जाएगा। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, आप एक काम करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पास जब भी टाइम हो मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्लोर। हिंदी में अगर बताऊं तो अटलांटिक ओशन फ्लोर का साइंटिफिक मैप क्वेश्चन मतलब कौन से पहले इंसान है जिन्होंने क्रिएट किया। तो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट ए मैरी थॉप। क्या मैरी थॉप? अब ये कौन है बेसिकली? ये बेसिकली अशीजा अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है ये, ठीक है, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है ये। और इसी के साथ अगर हम बात करें एंड ये बेसिकली ओशनोग्राफी के कार्टोग्राफर है। अब कार्टोग्राफर कौन होता है भाई? कार्टोग्राफर होता है मैपर, लगा लो, जो लोग मैप बनाते हैं ना, मानचित्र वगैरह, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जिस चीज़ में आपको मुझे लगता है बताना चाहिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब कुछ न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, बस आपको उनका मतलब पता होना चाहिए कि बंदा कौन है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं एड्स ले करता हूँ सो दैट की कहानी बन जाए जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि सिंगल वर्ड मैं हमेशा कहता हूँ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर एट IFFI 2020। सबसे पहले तो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसका मतलब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2022 का जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें किनका नाम जो है वो दिया गया है, किस में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, मतलब इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2020 वो किनको दिया गया है। तो आंसर है चिरंजीवी, ठीक है। क्या आंसर है? चिरंजीवी। अब आप सभी को पता होगा ये, अगर आप पुराने मतलब आई डोंट नो कि आप लोग देखते हो फिल्में बाहर की या नहीं, ये बेसिकली तेलुगु एक्टर है, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं और इन्होंने बहुत सारी तेलुगु कन्नड़ उसके बाद क्या वो हिंदी में भी इनकी पिक्चर्स हैं, क्लियर है। तो याद रखना आंसर है चिरंजीवी। अब IFF देखो फिल्म में अवार्ड्स के रिलेटेड भाई बॉलीवुड आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन आपको एक तो इस तरह से आ सकता है IFFI सीधा शॉर्ट फॉर्म, या तो आपको इस फुल फॉर्म में आएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 53rd वाला जो IFFI अवार्ड जो है वो किनको दिया गया। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो फिल्म फेस्टिवल था ये कौन से नंबर का था? 53rd नंबर का ही फिल्म फेस्टिवल था। क्लियर है भाई, ठीक है। देखो आपको इस क्वेश्चन से कितनी चीज़ें याद हुई, पहला तो आपको ये पता लग गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला, चिरंजीवी को। कहाँ से हैं ये? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में से हैं, ठीक है। सिर्फ वही फिल्में नहीं बनाई इन्होंने, हिंदी कन्नड़ अदर भी फिल्में बनाई है, ठीक है। दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये कि ये मतलब कौन से नंबर का था, कितने नंबर का, मतलब 53rd इसमें आज मतलब ये जो हुआ ये 53rd का था, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ? ये हुआ गोवा में, ठीक है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दैट इज कौन है, क्या नाम है? दैट इज अनुराग ठाकुर। अगेन बता रहा हूं कि फिल्म की बात कर रहे हैं तो आपको यहां ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन का जो मिनिस्टर है, जूनियर मिनिस्टर हैं, उनका पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो पढ़ने के साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर करना, कमेंट में जो आपका दिल करता है अच्छा कर देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। बताइए किनको गांधी मंडेला फाउंडेशन ने पीस प्राइज के साथ किनको ऑनर किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, दलाई लामा। अब दलाई लामा कौन है जी? ये तिब्बत के तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है, तिब्बतन के स्पिरिचुअल लीडर है, तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर। अब बेसिकली ये जो देखो आपको पीस वर्ड से पता लग जाएगा कि जो लोग पीस को प्रमोट करते हैं उनको दिया जाता है, और जो लोग गांधी जी और मंडेला जी के मार्गदर्शन, उनके उनकी थिंकिंग पे जो लोग चलते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, बताइए कौन है जो प्रेसिडेंट के कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो उनको इलेक्ट किया गया। आंसर है इसका डी, कासिम जोमार्ट टोकायेव। क्या? कासिम जोमार्ट टोकायेव, बस इतना याद रखना, क्योंकि ये नाम याद रह जाए आपको तो बहुत बड़ी बात है, अलग चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज़ याद रखना, कभी भी चीज़ों को अपनी ईगो पे मत लेना, हर चीज़ को करने का ना साइंटिफिक रीज़न ढूंढना। इमोशनली अगर आप चीज़ों को करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इमोशनली कहने का मेरा मतलब ये कि मैं आज ये सारा कर दूंगा, मैं आज ये बुक ख़त्म कर दूंगा, ऐसे लाइफ नहीं चलता। बस आप अपने अपने माइंड सर्कल को समझ। देखो मैं जब ये कहता हूँ ना, सिंगल वर्ड कभी भी माइंड में नहीं रहता, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम कहानियाँ क्यों सुनाते हैं? क्यों? क्योंकि कहानियाँ अक्सर याद रहती हैं। तो अपने माइंड को पढ़ो, अपनी आप किस लेवल पे हो उसको जानो, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू बी अ सुपरमैन, ठीक है? सुपरमैन बन जाओगे नो डाउट, जब आपको धीरे 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 चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की आदतें पड़ेंगी, बन जाओगे, लेकिन कम से कम एक्शन लेना स्टार्ट करो। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए भाई इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है किस में? नेटवर्क रेडीनेस में, ठीक है, इंडेक्स 2022, ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है इसमें। अब अगर मैं बात करूं, आंसर है इसका बी, 61 रैंकिंग है किस में? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अब नेटवर्क वर्ड से आपको पता लग गया होगा, दिस इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड विद व्हाट? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वर्ड। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ठीक है, टेक्नोलॉजी। देखो भाई, नेटवर्क, आपने मुझे नहीं पता कि आपने कभी आईटी आपका था या नहीं था, नेटवर्क एक नेटवर्किंग सिस्टम एक ऐसा होता है, मतलब एक कंप्यूटर आप लोगों के हजारों कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क का जो वर्ड है ये इसके रिलेटेड है। रेडीनेस का मतलब होता है सिंपल रेडी। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो मतलब कि वो चीज़, मतलब जो लोग रेडी रहते हैं किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, मतलब जो लोग रेडी रहते हैं इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसमें हमारे इंडिया का जो नाम है लिस्ट में, जो नाम है दैट इज़ कितना रैंक है? 61, ठीक है। अब ये जो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, ये जो इंडेक्स है ये कौन मतलब देता है, कौन रिलीज करता है? दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो नेटवर्क है, फोरम्स नेटवर्क जो है वो लोग, ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स रैंकिंग जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। पता लग गया भाई, इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडेक्स में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि विच कंट्रीज पार्लियामेंट पास्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। इंटरनेशनल, दूसरा ट्रेड, तीसरा इंडिया। इंपॉर्टेंट दिख रही है ना आप लोगों को, बताइए कौन सी इंडिया की पार्लियामेंट ने पास कर दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भाई आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो पीएम है उनका नाम अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उनका नाम है एंथोनी एल्बनीज, ठीक है। मुझे पता है आप लोग कभी भी ऐसे खुद तो याद करोगे नहीं, मैंने लिखवा दिया सो दैट की बहाने से आपको उनके पीएम का नाम पता लग जाए, ठीक है। अब इन्होंने इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो इन्होंने किया है, ठीक है, इंडिया के साथ। और ये साइन कब किया था इन्होंने, ये कब साइन हुआ है? ये हुआ है आप लोगों का
12 अप्रैल 2022, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कौन सी कंट्री ने किया है ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम इन्होंने दिया है शत्रुनाश, ठीक है। देखो आप सभी को पता है कि जो भी आर्मी मतलब जो भी आप लोगों की पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं ना, एक्सरसाइज करती हैं क्यों, जस्ट फॉर अ डेमो पर्पज की अगर ऐसी सिचुएशन हो या कोई भी नई चीज़ वो ट्राई करते हैं, तो उसी तरह का सेम एक एक्सरसाइज जो है जिसका मतलब इंटीग्रेटेड फाइव पावर जिसको उन्होंने हिंदी में नाम दिया क्या शत्रुनाश, बताइए किस स्टेट में इंडिया ने ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट करी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान के थार डेजर्ट में ये जो एक्सरसाइज है ये करी है इंडियन आर्मी ने। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि पहला ये जो क्वेश्चन मैं आप जब बताऊंगा आपको पता लग जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि किन्होंने जीता है, हु हैज वॉन द यूएनस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया से किन्होंने यूएन का सबसे हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो जीता है। इसका आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। क्या आंसर है? पूर्णिमा देवी वर्मन। अब पहला जो सवाल यहाँ से निकलता है ये कहाँ से है, ये क्वेश्चन, ये आंसर है असम। कहाँ से है ये? असम से है। असम से ये मतलब वहाँ की ये कंजर्वेशनिस्ट हैं, चीज़ों को जो लोग कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये असम से हैं। दूसरा, अब ये जो अवार्ड इनको दिया मतलब हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020, ये अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है। दूसरा ये। तीसरा, अगर हम बात करें इनका जो इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस ग्रुप का नाम मतलब एक कंजर्वेशन, अब अकेली तो है नहीं भाई, ऑब्वियसली ग्रुप बनाया होगा, अब जिसमें जिसका इन्होंने नाम दिया है, क्या नेम दिया है इन्होंने, हरगिला, ठीक है। और हरगिला बेसिकली क्या है, ये असम के एक वर्ड का नाम है, असम के वर्ड का नाम है। और इनका जो मेन काम है ना वो ये कि जो पक्षी जो ख़त्म होने की तगार पे हैं उन लोगों को ये मतलब बचा के रख रहे हैं, बस इनका ये काम जो है कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? पता लग गया कि किनको हाईएस्ट अवार्ड एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो मिला है इंडिया में से, दैट इज़ पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, बताइए किनको डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका रवि कुमार सागर। क्या आंसर है? रवि कुमार सागर। अब रवि कुमार सागर जी कौन है भैया? पहले आप लोग कह सकते हैं ये यंग एंटरप्रेन्योर है हमारे इंडिया के, यंग एंटरप्रेन्योर इंडिया के, ठीक है। और उसके बाद ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरके इनो ग्रुप, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरके, मतलब अपने नाम से ही है भाई इनका, इनो ग्रुप, ठीक है। क्लियर है? ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो डॉक्टर सेवा पुरस्कार है ना ये कौन देते हैं हर साल, ये मतलब जो अवार्ड है ये कौन होस्ट करता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो एक तो वंदे भारत फाउंडेशन और एक और इनके साथ कौन है वो, दैट इज लीड इंडिया फाउंडेशन। ये दोनों मिलके हर साल ये जो अवार्ड है ये होस्ट करते हैं। किनको दिया गया? सागर को, रवि कुमार सागर जी को। कौन है? यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है और फाउंडर एंड सीईओ हैं। अब बेसिकली इनकी मतलब जो इन्होंने काम किया है अपनी सोसाइटी के लिए, इवन ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे एक चीज़ का पता है कि इसका आंसर आप सभी जानते हैं, मैं हिंट भी दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन से फुटबॉल स्टार ने अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे।
कमेंट करके बताओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे, ठीक है। और मेरी जो करंट अफेयर सीरीज़ है, ये आपको सीरीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, अगर मैं 4-5 घंटे लगा के आप लोगों के लिए कोई कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ढूंढ डांट के अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को 2 मिनट तो आप मुझे दे ही सकते हो कमेंट करके, अपनी जो भी आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं या कैसा कर रहा हूँ मैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी मैं इस बंदे के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। अभी इन्होंने अपने 500 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को कंप्लीट किया, वो वर्ल्ड के नंबर वन मतलब मोस्ट फॉलोअर्स हैं इनके, इस फुटबॉल प्लेयर के, ठीक है। तो चलिए, आज का जो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको मज़ा आया। और बाकी हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।